खुशबू और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चर्बी ट्यूब में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फुलकारी के पांच ऐसे आइटम के बारे में जो कि आपके वार्डरोब में होने ही होने चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी फुलकारी के बारे में। तो फुलकारी पंजाब का अपना एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है जो कि ज़्यादातर कपड़ों पर की जाती है, इसके अलावा जूतीज़ और पर्स पर भी किए जाते हैं। और ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी होती है, जिस वजह से ये पंजाबी फुलकारीज बहुत कलरफुल होते हैं। और अगर आपको इस तरह के कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद आती है ना, तो आपके वार्डरोब में ऐसी कौन सी पांच चीज़ें होनी ही चाहिए, तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला आइटम जो है वो है फुलकारी दुपट्टा, जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत पसंद किया जाता है गर्ल्स में। तो फुलकारी दुपट्टा बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक जो हैवी वेटेड होते हैं, दूसरे जो लाइट वेटेड होते हैं। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक में फुलकारी दुपट्टों में एम्ब्रॉयडरी होती है, जैसे कॉटन के, सिफॉन के, जॉर्जेट के। तो जो शिफॉन और जॉर्जेट के फैब्रिक में ये दुपट्टे होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं। तो आप अगर बहुत हैवी चीज़ें नहीं पहन सकते हैं, जैसे मुझे भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरीके के सिफॉन या जॉर्जेट वाले दुपट्टे को अपने वार्डरोब में ऐड कीजिए। और इस तरीके के जो दुपट्टे होते हैं, आप इसे अपने सिंपल सॉलिड कलर के कुर्ती के साथ या पटियाला सूट के साथ स्टाइल कीजिए, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है, एज वेल एज बहुत हमेशा ट्रेंड में रहती है। फुलकारीज कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते, क्योंकि ये बहुत ही क्लासिक पीस है आपके वार्डरोब के। इसके अलावा जो दूसरे दुपट्टे की मैं बात कर रही थी, जो कि हैवी वेटेड होते हैं, जो कि बहुत हैवी होते हैं, ये बेसिकली आपको सूट के साथ, पंजाबी सूट्स के साथ भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इसे अलग से भी परचेज कर सकते हैं। तो आप इसे चंदेरी फैब्रिक के जो कॉटन के सूट होते हैं, चंदेरी कॉटन के जो सूट्स होते हैं या कुर्ते होते हैं, उनके साथ स्टाइल कीजिए, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो अब जो दूसरे आइटम की मैं बात करूंगी, ये है फुलकारी साड़ीज, जो कि बहुत स्टाइलिश लगती है। और इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि ये शिफॉन के फैब्रिक में ज़्यादातर मिलती है। मेरे पास भी जो है वो शिफॉन के फैब्रिक में है, जो कि पूरे इसमें ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इसके बावजूद भी ये बिल्कुल लाइट वेट होती है। आपको देखकर लुक इसका लगेगा कि ये बहुत हैवी है, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लाइट वेट है। इवन इतनी कंफर्टेबल है कि आप इसे पूरे दिन अपने स्मॉल ओकेजन के लिए, जो कि आपके घर पे किसी किस्म का फंक्शन, पूजा है, तो आप उसमें भी पहन सकते हैं और पूरे दिन कैरी कर सकते हैं। और आप इस तरीके की जो फुलकारी साड़ीज होते हैं, इसे सॉलिड कलर के ब्लाउज के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो फिर आप एक ट्रेडिशनल लुक सिंपल ब्लाउज के साथ इसे स्टाइल करके क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न टच देना चाहते हैं अपनी फुलकारी साड़ी को, तो आप इसे क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल कीजिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप टॉप मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि कोल्ड शोल्डर, ऑफ शोल्डर, इसके अलावा बहुत तरीके के आपको मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करें, अगर आपने मॉडर्न किस्म की साड़ी पहननी है फुलकारी, तो आप इसे क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल करें। तो दूसरा जो मस्ट हैव आइटम है फुलकारीज में, वो है फुलकारी साड़ी। तो तीसरे मस्ट हैव आइटम की बात करेंगे, जो कि है फुलकारी मोजरीज या कि जुत्तीज। तो इस तरह की मोजरीज या जुत्तीज आपको ऑनलाइन थोड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन इसके अलावा आप अगर पंजाब से हैं या पंजाब जाते हैं, अमृतसर में बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगी आपको, और डिफरेंट डिफरेंट रेंज की होती है। तो इस तरीके की एक मोजरीज पे जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल होती है, आप अपने इसे इंडियन लुक के लिए या फिर इंडो वेस्टर्न लुक के लिए भी पहन सकते हैं, और बोहो लुक के लिए भी आप इसे पहन सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। फुलकारी जूतीज को आप साड़ी के साथ भी पेयर कर सकते हैं। मेरे पास जो फुलकारी जूतीज है वो मैंने फैब इंडिया से ऑर्डर किया है, तो अगर आप चाहें तो फैब इंडिया पे जाके इस तरह की फुलकारी जूतीज अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप पंजाब ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो। तो इस तरीके की एक फुलकारी जूतीज अगर आपके पास है, तो आप इसे बहुत सारे ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं, और ये बहुत बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। इवन बहुत कंफर्टेबल भी होती है, पैरों को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता, आप पूरे दिन पहन के घूम फिर सकते हैं। मेरी जो जूतीज है, मैं डर रही थी कि पता नहीं ये कम्फर्टेबल होगी कि नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। तो तीसरा जो मस्ट हैव आइटम है वो है फुलकारी जूतीज। फोर्थ जो आइटम है फुलकारी में, वो है फुलकारी सूट सेट। इसमें भी आपको मोस्टली दो तरीके की मिलेगी सूट सेट, एक जो लाइट वेट दुपट्टे के साथ आती है, एक जो हैवी दुपट्टे के साथ आती है। मेरे पास दोनों ही है, एक जो हैवी वेट दुपट्टे के साथ आई है जो चंदेरी कॉटन के फैब्रिक में है,
और ये मैंने छाबड़ा 555 से लिया है। इसके अलावा अगर आप पंजाब जाते हैं तो वहाँ आपको इसके बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। और एक जो लाइट वेट फैब्रिक में सूट सेट आती है जिसके दुपट्टे बहुत ही लाइट वेट होते हैं, शिफॉन के फैब्रिक में होते हैं, तो आप इन दोनों में से कोई एक सूट जरूर बाय कीजिए, मस्ट हैव है। अगर आपने ट्रेडिशनल पंजाबी लुक क्रिएट करना है और अगर आपको भी मेरी तरह पटियाला सूट्स पहनना बहुत पसंद है तो आप एक सूट सेट पे जरूर इन्वेस्ट करें, तो फोर्थ मस्ट हैव है सूट सेट। तो लास्ट जो आइटम है जो कि मस्ट हैव है फुलकारीज में, वो है फुलकारी पैंट्स या फिर फुलकारी प्लाजो। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पैंट्स और प्लाजो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं और ट्रेंड में इन है, तो आप इस तरीके के फुलकारी पैंट्स या प्लाजो पे जरूर इन्वेस्ट करें। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, जैसे कि मैंने अमेजोन से मंगाई थी। इसके अलावा अगर आप और किसी वेबसाइट से देखना चाहें तो मुझे तो पता नहीं, लेकिन शायद ऑनलाइन कम ही मिलती है। तो अगर आपके पास इस तरीके का फुलकारी कोई एक प्लाजो या पैंट्स है तो आपके वार्डरोब में जितने भी सॉलिड कलर के कुर्ते हैं आप उसके साथ इसे इजीली स्टाइल कर सकते हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। क्योंकि इनके पैंट्स या प्लाजो पे भी डिफरेंट कलर की एम्ब्रॉयडरी होती है, तो ये आपके सारे कुर्ते के साथ किसी भी कलर की हो इजीली मिक्स एंड मैच हो जाती है और बहुत कंफर्टेबल एज वेल एज बहुत स्टाइलिश लगती है। और फुलकारी हमारे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, हमारे वार्डरोब का बिल्कुल एक क्लासिक पीस है, तो ये हमेशा ट्रेंडी लगती है, बहुत स्टाइलिश लगती है। तो आपके पास एक ना एक इस तरीके का प्लाजो या पैंट्स होना चाहिए जिससे आप अपने डिफरेंट डिफरेंट कुर्ते को या फिर सूट्स को स्टाइल कर सकें। तो लास्ट जो मस्ट हैव है वो है फुलकारी पैंट्स या प्लाजो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि आप 5 कौन से ऐसे मस्ट हैव फुलकारी आइटम हैं जो कि आपके वार्डरोब में होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने इससे पहले भी बहुत सारी फुलकारीज पे वीडियोस किए हैं और आप लोगों ने बहुत पसंद की है, तो उन सारे वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी फैशन रिलेटेड वीडियोस के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे पोस्ट डालती रहती हूँ, तो अगर आप चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है charpytube17। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।